अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देख रहे होंगे सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स, सिंथेटिक फाइटो हार्मोन्स। हमने लास्ट लेक्चर में नेचुरल हार्मोन्स देखे, यानी ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड, डीथीन, जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, और प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शंस को बायोकेमिकली, फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, हमने उनको देखा। हम इस लेक्चर में देख रहे होंगे सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स, वो प्लांट हार्मोन्स जो सिंथेटिक हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं जो कि जड़ी बूटियों को मार देते हैं, जो कि वीड किलर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर जो फूल लगते हैं लेकिन उनसे फल नहीं बन पाते, तो फूल से जो फल बनाना, फ्रूट सेटिंग, उसके लिए स्प्रे किए जाते हैं। तो डिफरेंट किस्म के स्प्रे जो हैं वो किए जाते हैं, ये सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। इसी तरीके से बाज़ार में जो सब्ज़ी वगैरह पड़ी होती है, जो कैबेज है, लेटस है, सलाद के पत्ते या बंद गोभी या पालक है, स्पाइनच, उनको फ्रेश रखने के लिए उनके ऊपर जो केमिकल्स छिड़के जाते हैं, ये सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं। हम इनके बारे में जानेंगे। बेसिकली सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स आर इकोनॉमिकल दैन द नेचुरल वंस। इकोनॉमिकल मीन्स दीज आर लेस एक्सपेंसिव, दीज आर चीपर दैन द नेचुरल हार्मोन्स, एंड सेकेंड थिंग दीज आर मोर एक्टिव। रीज़न क्या है कि प्लांट्स के अंदर इन हारमोन्स को डीएक्टिवेट करने के लिए एंजाइम्स ही नहीं होते, बिकॉज दीज आर नॉट द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स, सो ये मोर एक्टिव हैं। यानी इनको डीएक्टिवेट करने का कोई मैकेनिज्म, कोई एंजाइम्स प्लांट्स में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स की बात हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, दैन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ अदर हारमोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंथेटिक ऑक्सिन्स। हमने जो नेचुरल ऑक्सिन्स पढ़े थे वो थे इंडोल एसिटिक एसिड। ये जो सिंथेटिक हैं, सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, मैन मेड, इनमें है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। ये दोनों जो हैं ये नेचुरल फ्रूट सेट, अब समझ लें फ्रूट सेट या फ्रूट सेटिंग से क्या मुराद है। रिटेंशन ऑफ ओवरी एंड कन्वर्जन इन टू द फ्रूट इज़ कॉल्ड फ्रूट सेट। ओवरी झड़ ना जाए, ओवरी गिर ना जाए, लीफ फ्लावर एब्सिशन ना हो जाए, ओवरी रिटेन रहे, ओवरी बरकरार रहे और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रूट सेट। रिटेंशन ऑफ द ओवरी, कीपिंग ऑफ द ओवरी, रिटेंशन ऑफ द ओवरी एंड कन्वर्जन ऑफ इट इन टू द फ्रूट इज़ कॉल्ड फ्रूट सेट और फ्रूट सेटिंग। सेकेंड थिंग, ये दोनों जो हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, दीज प्रमोट द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनो मीन वर्जन, कार्पी मीन फ्रूट, फ्रूट फार्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट पोलिनेशन, राइट, जिससे एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड नहीं बनता, जस्ट एक फ्रूट बनता है, लाइक द बनानाज और द सीडलेस ग्रेप्स। दूसरे नंबर पे 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D स्टैंड्स फॉर 2,4-dichlorophenoxyacetic acid। ये बेसिकली एक सिलेक्टिव वीड किलर है, सिलेक्टिव वीड किलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए स्टूडेंट्स। जो सीरियल्स होते हैं ना, ये जो ज़रिए अजनास होती हैं हमारे पास, गंदम है, मकई है, चावल है, या जो हमारे पास लॉन्स के अंदर ग्रासेस होती हैं, ये सारे मोनोकॉटिक मोनोकॉट्स प्लांट हैं, ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, राइट। मोनोकॉट्स मीन इनमें एक कॉटिलेडन होता है। इंपॉर्टेंट बात ये, इनके लीव लॉन्ग होते हैं और उनके अंदर पैरेलल वेन्स होती हैं। लीव के अंदर एक तो मिडरिब है ना, और उसके अलावा जो लीफ वेन्स होती हैं वो जैसे रेटिकुलेट विनेशन जिसे कहते हैं, वेन्स का एक जाल है, वो इन मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल होते हैं। इनके पत्ते लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे। आपने मकई, गंदम और चावल या जो धान है उसका पत्ता देखा होगा, लंबे लंबे होते हैं, या ग्रास के पत्ते आपने ज़रूर देखे होंगे। जो वीड्स इनके अंदर पैदा होती हैं, इन सीरियल क्रॉप्स के अंदर जो वीड्स, जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, वो डाइकॉट्स होती हैं और उनके पत्ते ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और उनके अंदर जो वेन्स हैं वो ज़िगज़ैग फैशन में प्रेजेंट होती हैं। ये जो 2,4-D है, ये डाइकॉट्स ब्रॉड लीव्ड वीड्स को तो मारता है, किल करता है, लेकिन जो मोनोकॉटिक लीव्स हैं उनको कुछ नहीं कहता, तो इसलिए ये सिलेक्टिव वीड किलर है। नंबर 2, इनहिबिट्स स्प्राउटिंग। हम लोग आलू को जो स्टोरेज करते हैं तो आलू की छोटी छोटी आंखें निकल आती हैं, छोटे छोटे उसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, इससे जो पोटैटो है उसकी स्टोरेज लाइफ ख़राब हो जाती है और वो काबिले इस्तेमाल नहीं रहता। तो उसकी स्प्राउटिंग को ख़त्म करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए इसके ऊपर 2,4-D का स्प्रे किया जाता है। स्टॉप फ्रूट ड्रॉप, अर्ली प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, फ्रूट अभी पका नहीं, जैसे आम गिर जाते हैं, अंबियाँ गिर जाती हैं, ठीक है, दूसरे फल गिर जाते हैं, तो उनके ऊपर अगर आप 2,4-D का स्प्रे कर दें तो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को आप रोक सकते हैं। ये तो हो गए सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द जिब्रेलिन्स,
कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन्स, कमर्शियल मीन फॉर बिजनेस, फॉर अर्निंग समथिंग, ठीक है, कॉमर्स, कारोबारी लिहाज से जिब्रेलिन्स का, जिब्रेलिक एसिड जी ए या जी ए थ्री, इनका यूज़ ये फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करते हैं। टेंजरीन्स, टेंजरीन्स मीन ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये संतरा टाइप जो फ्रूट होते हैं, और पियर्स नाशपातियों में ये फ्रूट सेटिंग को प्रमोट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ फ्रूट सेटिंग मीन रिटेंशन ऑफ द ओवरी एंड कन्वर्जन इन टू द फ्रूट। सीडलेस ग्रेप्स जो कि पार्थिनोकार्पिक ग्रेप्स हैं, उनको प्रमोट करते हैं, यानी अगर इनका ग्रेप्स के ऊपर स्प्रे किया जाए जी ए या जी ए थ्री का, तो सीडलेस ग्रेप्स प्रोड्यूस होंगे। ये माल्टिंग को प्रमोट करते हैं, अब ये समझ लें माल्टिंग क्या है। बेसिकली जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस करते हैं अल्फा एमाइलेज, एज जब नाम क्या कर मैं तो वो एक एंजाइम होता है, अल्फा एमाइलेज पैदा करते हैं। अल्फा एमाइलेज बारले जौ जो है उसमें स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, और माल्टोज से प्रोड्यूस होते हैं एल्कोहल्स, यानी ब्रूइंग इंडस्ट्री जहाँ पे बेवरेजेस बनते हैं, जहाँ पे एनर्जी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये माल्टिंग, माल्टिंग मीन कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च इनटू द माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज़ द अल्फा एमाइलेज। एक्चुअली द जिब्रेलिन्स गिव बर्थ और प्रोड्यूस द अल्फा एमाइलेज, राइट। डिले इन राइपनिंग, ये फ्रूट राइपनिंग को डिले करते हैं जिससे स्टोरेज लाइफ में इजाफा हो जाता है। फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, उनको स्टोर करना हो, तो उन वो अगर राइपन हो जाएंगे तो दे विल बिकम डेलिकेट, दे विल बिकम सॉफ्ट, वो इंजर्ड हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, तो उनको लेस राइपन रखना है या विदाउट राइपनिंग उनको कच्चा रा शक्ल में स्टोर करना है या उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए इनका स्प्रे किया जाता है, राइट, बनाना और ग्रेप फ्रूट में खासतौर पर। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनन, साइटोकाइनन्स को हम स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर लीफ एंड फ्लावर्स फ्रेश, ये जो सब्जियां हैं जैसे कैबेज बंद गोभी है या लेटस सलाद के पत्ते या पालक वगैरह, ये मुरझा जाते हैं, लीव्स हैं, इनको हम वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनको फ्रेश रखने के लिए इनके ऊपर साइटोकाइनन्स का स्प्रे किया जाता है। ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, सीड इज़ डॉर्मेंट, सीड इज़ इनएक्टिव, देर इज़ नो जर्मिनेशन टेकिंग प्लेस इन द सीड, व्हेन द सीड इज़ सोन नाउ द जर्मिनेशन इज़ नीडेड टू स्टार्ट एंड नाउ द सीड डॉर्मेंसी इज़ ब्रोकन डाउन बाई द एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनन्स। नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं और ये ब्रेक करते हैं डॉर्मेंसी को जिससे सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। एब्सिसिक एसिड, द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, मैंने कमर्शियल एप्लीकेशन ही लिखा, आपने समझ लेना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड। इट रेगुलेट्स फ्रूट ड्रॉप, अब देखें फल पक गए, अब उतारना है, बड़े बड़े दरख्त हैं आम के या जामन के या जैसे कांटेदार दरख्त हैं माल्टे वगैरह के, तो फ्रूट पिकिंग करना, उसको तोड़ना, उसको एक एक फ्रूट को अलग करना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, तो आप उसके ऊपर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दें, एक ख़ास वक्त के बाद फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा और आप नीचे से फ्रूट को कलेक्ट करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। लास्ट पे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इथीन, वंस अगेन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इथीन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ इथीन, इट प्रमोट्स द फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल, अनानास के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स लाइक द टोमाटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स, टमाटर के अंदर सिट्रस फ्रूट, ये पूरा एक सिट्रस फैमिली है जिसमें आ जाते हैं माल्टा आ जाता है, संतरा आ जाता है, ठीक है, खट्टा या लीमू, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें राइपनिंग को। एक केमिकल सब्सटेंस होता है एथेफोन, ये लिक्विड स्टेट में भी मिलता है यानी स्प्रे की शक्ल में, और ये सॉलिड पाउडर की शक्ल में भी मिलता है, इसको आमतौर पे फलों को पकाने के लिए, ये एथेफोन ब्रेक होता है, इससे इथीन रिलीज़ होती है और वो फलों को राइपन कर देती है। आपने कभी शायद एक्सपेरिमेंट किया हो कि केला वगैरह पकाना हो तो उसके अंदर एक पाउडर ला कर रखा जाता है, दारू उसे कहते हैं पंजाबी में, दैट दारू इज़ एथेफोन, और एथेफोन रिलीजेस द इथीन, दैट इथीन राइपन्स द बनानास फॉर यू। एंड लास्ट वन, लेटेक्स फ्राम रबर, अगर इथीन का स्प्रे करें तो जो रबर प्लांट है, जो रबर प्लांट जीता जागता एक प्लांट है, वो लेटेक्स को रिलीज़ कर देता है। ये लेटेक्स क्या होता है हम जानते हैं, लेटेक्स रेजन्स गम्स वगैरह, ये प्रोडक्ट्स हैं प्लांट्स के, लेटेक्स जिसको आम जुबान में ब्रोज़ा भी कहा जाता है, जिसके इंडस्ट्री में मुख्तलिफ यूजेज हैं, तो लेटेक्स रबर प्लांट्स से रिलीज़ होता है। अगर आप उसके ऊपर एथीन अप्लाई कर दें तो उसका लेटेक्स रनिंग जो है दैट विल बी प्रमोटेड, दैट विल इंक्रीज, वो लेटेक्स जल्दी जल्दी आपके लिए सिक्रीट कर देगा। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये था
सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स, पिछला आप लेक्चर देखना मत भूलिए, बल्कि उसे पहले देखिए, इसे बाद में देखिए। उसमें नेचुरल हार्मोन्स, उनकी उनके कंपैरिजन और यहाँ पे सिंथेटिक हार्मोन्स का जो फंक्शंस है वो आपको बताए गए हैं। बहुत शुक्रिया।